टीकमगढ़ के अमरपुर गांव से बड़ी घटना सामने आई, जहां दूषित पानी पीने से पिछले 2 से 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गांव के 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना की लीकेज लाइन से आ रहे दूषित पानी पीने से ग्रामीण बीमार होकर मर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मरने वालों में 2 महिलाएं सहित 1 बुजुर्ग का नाम भी शामिल है। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि भर्ती पीड़ितों का उपचार जारी है, 4 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जैसे गांव में क्या चल रहा है अभी, कैसे कितने लोगों की मौत हुई है? बहुत ज्यादा है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कछु बीमार पड़े। कहाँ उनको भर्ती कर दिया गया? कछु टीकमगढ़, कछु बड़ा गांव। 3 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे में और मन से चल रखे हैं। डेली 20-25 लोग बीमार चल रहे हैं और डेली प्रतिदिन ऐसे बीमार होते रहते हैं। कम से कम 8-10 दिन से लगातार चल रहा है। क्यों ऐसी स्थिति क्यों बनी गाँव में? एक तो हमारे गांव में सब गंदा पानी आ रहा है नाली का, और कहीं जगह पाइप भी लीक कर रहे हैं कई जगह। क्यों ये गंदगी के कारण हो रहा है? वही सरकारी नल योजना के बोर है ना, जो इसी के कारण हो रहा है। क्यों? ये बोर का पानी जाता है गांव में, फिर गांव से पानी आता है गंदा गंदा, पूरी नाली यहीं पर आता है। अच्छा, तो इस बोरों में पानी जा रहा है। जो अब 3 दिन तो ये रोटी है और इसमें एक पेशेंट जो है वो तो थोड़ा सा एजेड भी है, बाकी तो 2 पेशेंट और डायरेक्ट इन्होंने बिना इन्फॉर्म की, मतलब डायरेक्ट पहुंच गए, इससे कोई प्राइमरी इंटरवेंशन नहीं हो पाया और तो बाकी तो कुछ एम्बुलेंस वगैरह टाइम लगे, और इन्फॉर्मेशन अगर देते हैं तो इंटरवेंशन अगर टाइमली हो जाता। कितने लोगों को रेफर किया गया? हमारे कल अभी तक तो 4 लोगों को रेफर किया गया, जो यहाँ से उपचार देते हैं उनमें से 4 लोग। कितने लोग ग्रसित हैं ऐसे बीमारी से? कुल अभी तक कल और आज मिला के अभी तक के समय में 56 लोग हैं, जिसमें से 44 कल के, 12 आज के।